हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर्की मेक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, मैं लास्ट दो वीक्स वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वेदर यहाँ बहुत ही ख़राब है, इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी दिल्ली गुड़गांव में, और ऊपर से आई हैड सम स्टमक इन्फेक्शन, तो कुछ एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। तो मैंने सोचा छोटा सा ब्रेक ले लूँ ताकि मैं फिर से एनर्जी में लौट आऊँ। सो अब आई एम फीलिंग बेटर, और मैंने देखा कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आई है कि मैं वीडियो करूँ कम हाइट वाली गर्ल्स के लिए, कैसे ड्रेसिंग करें एंड ऑल। सो फाइनली गाइस, आज का वीडियो इसी बारे में है। मैं आपको बताऊंगी 9 फैशन टिप्स शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए, जिनकी हाइट कम है वो कैसे ड्रेसिंग करें। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहली टिप ये है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप हाई वेस्ट बॉटम्स पहनिए और क्रॉप टॉप्स पहनिए। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप लो वेस्ट बॉटम्स पहनते हैं तो आपके जो लेग्स हैं वो विजुअली थोड़े से शॉर्ट दिखते हैं। ऑलरेडी आपकी हाइट कम है तो वो और शॉर्ट दिखते हैं। अगर आप हाई वेस्ट बॉटम्स पहनेंगे तो एक जो विजन में आता है वो ये आता है आपकी लेग्स जो है बहुत लंबी दिखती है, तो इससे क्या होता है, इल्यूजन होता है कि आपकी हाइट ज़्यादा है। और फिर अगर आप लॉन्ग टॉप्स पहनेंगे तो फिर हाइट कट जाएगी, तो आप इस पर शॉर्ट टॉप्स पहनिए। तो हाई वेस्ट बॉटम्स विद शॉर्ट टॉप्स आपको थोड़ा सा लंबा दिखाता है। नेक्स्ट जो है, अगर आप प्लाजोस पहनना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत चौड़े प्लाजोस मत पहनिए, उसमें आपकी हाइट कम लगती है। बट आप पहन सकते हैं चौड़े प्लाजोस हील्स के साथ, क्योंकि हील्स फिर प्लाजोस जो है हील्स को छुपा लेते हैं और आप फिर लंबे दिखते हैं। दूसरा मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लाजोस अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप नैरो पैंट्स पहनिए। जैसे पैंट्स विद कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो सिगरेट पैंट्स, नॉर्मल पैंट्स विद कुर्तीज़ विद टॉप्स आप पहन सकते हैं, और ये आपको लंबे दिखाने में हेल्प करेगा। सो दूसरी टिप थी कि आप प्लाजोस अगर पहनना चाहते हैं चौड़े वाले तो हील्स के साथ पहनिए, और वरना आप सिगरेट पैंट्स और नॉर्मल पैंट्स विद कुर्ती पहनिए। तीसरी टिप ये है कि आप ए लाइन फ्लोई कुर्तीज, फ्लोई ड्रेसेस पहनिए, उससे आपकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी लगती है। फ्लोई एक ऐसा ऊपर से नीचे इल्यूजन लगता है कि आपका जो फ्रेम है वो टॉल है। आप वॉली कुर्तीज अवॉइड कीजिए जो ब्रेस्ट से कट होती हैं, जिनमें यू नो ऊपर जैसे नारकरी कुर्तीज होती हैं जिसमें एम्पायर वेस्ट लाइन होता है ऊपर तक अलग, एंड देन पेट पे कटती है नीचे जो कपड़ा अलग होता है, तो ये इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपकी हाइट कम है क्योंकि आपका फ्रेम ये काट देता है। तो इसकी बजाय आप ऊपर से नीचे कंटिन्यूसली फ्लोइंग लॉन्ग कुर्तीज, ए लाइन कुर्तीज, ए लाइन ड्रेसेस पहनिए, वो आपको लंबा दिखाने में हेल्प करता है। चौथी टिप है कि आप वी नेक लाइन पहनिए, और यहाँ तक कि बंद गले वाली आप अगर टॉप या ड्रेस पहनेंगे तो उसमें आपकी हाइट कम लगती है। अगर आप यहाँ से वी नेक पहनेंगे तो यू नो एक फ्रेम लगता है कि आप टॉल है, एक इल्यूजन होता है क्योंकि बंद वाला आपका फ्रेम काट देता है और वी नेक में आपका फ्रेम थोड़ा सा और टॉल लगता है। तो आप वी नेक टॉप्स और वी नेक डिज़ाइन के टॉप्स, ड्रेसेस, कुर्तीज पहनिए। नेक्स्ट फिफ्थ टिप है कि आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनिए, वर्टिकल स्ट्राइप्स बॉटम्स, वर्टिकल स्ट्राइप्स ड्रेसेस। वर्टिकल स्ट्राइप्स बेसिकली एक टॉल फ्रेम में अगेन एक इल्यूजन क्रिएट करता है, तो ऐसा लगता है कि इंसान लंबा है। तो आप यू नो क्लोथ्स पहन सकते हैं वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले, वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले ड्रेसेस पहन सकते हैं, शर्ट्स पहन सकते हैं। कुर्तीज़ में तो वर्टिकल स्ट्राइप्स कम आती है, पर साड़ीज़ में भी मैंने देखा है वर्टिकल स्ट्राइप्स आने लगी है, तो आप इस तरह की ड्रेसेस पहन सकते हैं। रीज़न ये है कि वर्टिकल स्ट्राइप्स से जो अटेंशन सारा ड्रॉ होता है वो आपके लेग्स पे होता है, तो ऐसा लगता है कि ये एक टॉल फ्रेम है। सिक्स्थ टिप है कि आप न्यूड एंड पॉइंटेड हील्स पहनिए। यस, आपको लगेगा कि ये बहुत ही अजीब सी टिप है, पर अगर आप न्यूड पॉइंटेड हील्स पहनेंगे तो ये आपके फ्रेम को टॉल दिखाने में हेल्प करता है। आप ट्राई कीजिए एंड आप खुद फर्क देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट और सेवन्थ टिप है कि आप सॉलिड पहनिए बजाय कि यू नो प्रिंट्स के। सॉलिड्स में हाइट और ज़्यादा लंबी लगती है, एंड सॉलिड एंड सॉलिड जैसे ब्लैक बॉटम विद ब्लैक टॉप या पिंक ऑन पिंक कॉम्बिनेशन, उसको आप किसी पॉप ऑफ कलर से यू नो मोनोटनी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक पे ब्लैक बॉटम ब्लैक टॉप या पिंक प्लाजो पिंक टॉप, तो इससे आपकी हाइट जो है ज़्यादा लंबी दिखती है सॉलिड में, बजाय कि आप अगर प्रिंट्स पहनेंगे तो वो थोड़ा सा फ्रेम को काट देता है, तो उससे आपकी हाइट और कम लगती है, तो उसको अवॉइड करें। आठवीं टिप है कि हाई बन। ये बहुत ही ऑब्वियस टिप है कि जब आप हाई बन बनाते हैं तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा फ्रेम मिल जाता है और आप टॉल लगते हैं। तो मुझे तो हाई बन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सबको पता है मैं हाई बन्स ऑल द टाइम बनाती हूँ, और मैं लिंक डाउन करूँगी नीचे, मेरे 2-3 ट्यूटोरियल्स हैं हाई बन्स के, तो आप वो देख सकते हैं। बट हाँ, हाई बन बनाने से आपका फ्रेम जो है टॉल लगता है, तो ये भी आपको हेल्प करता है लंबा दिखने में। और नेक्स्ट और फाइनल 9th टिप है फोटोज़ के लिए कि अगर आप फोटो में टॉल दिखना चाहते हैं तो अपनी जो फोटो है वो सीधे से मत लीजिए,
थोड़ा सा नीचे बॉटम से पैरों की तरफ से कैमरे को ऊपर कीजिए और इस एंगल में आप बहुत लंबे लगेंगे, ट्राई कीजिए। मैं तो हमेशा करती हूँ, आप मैं यहाँ एक फोटो पुट करूँगी जहाँ मैंने ये नीचे से फोटो लिया है और आप देखेंगे कि मैं कितनी टॉल लग रही हूँ। सो व्हेनेवर आपको फोटोज में टॉल दिखना है तो आप नीचे से लगभग ज़मीन से ऐसे एंगल में ऊपर की तरफ फोटो लीजिए तो आपके क्या है उस पर लेग्स दिखेंगे ज़्यादा लंबे, तो आपके इसकी वजह से हाइट बहुत लंबी दिखेगी। सो गाइज, ये थे मेरी तरफ से 9 टिप्स कम हाइट वाली गर्ल्स के लिए, हाउ टू ड्रेस, ड्रेसिंग टिप्स, फैशन टिप्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा। लेट मी नो आपको कुछ और तरह के वीडियोस देखने हैं, आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता दीजिए कि आपको और क्या टॉपिक पे वीडियोस देखी हैं। मैं श्योरली लाऊंगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आऊंगी। आई नो 2 वीक थोड़ा लंबा गैप हो गया है, बट मैं कोशिश करूंगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ इस वीक डालूँ। और अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप मेरा इंग्लिश चैनल पोर्की मेक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।